हल्के में मत लेना तुम सांवले रंग को, हल्के में मत लेना तुम सांवले रंग को, दूध से कहीं ज्यादा देखे हैं मैंने शौकीन चाय के। ठीक है, तो इन्हीं बेहतरीन लाइनें, ये लाइनें मजाक नहीं है, ये लाइनें आपकी सोच को बता सकती है, आपके विचारों को बता सकती है कि यदि आपके विचार उत्कृष्ट हैं, यदि आपका विचार, आपकी थिंकिंग अच्छी है, आपकी थिंकिंग सही है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इन्हीं चीजों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। आज मैंने थोड़ी चाय की बातें इसलिए की है क्योंकि हम आज चाय के बारे में भी पढ़ेंगे, दूध के बारे में पढ़ेंगे, पानी के बारे में पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाओ आज की क्लास के लिए, एकदम कॉपी पेन ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो आराम से सुनो और फिर नोट्स बना लेना। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड की, क्या फर्स्ट ग्रेड की रसायन विज्ञान की जो चैप्टर चल रहा था, एक हमने खत्म कर लिया परमाणु अणु, अब हम दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं देखो, ये चैप्टर ऐसे मत समझो कि यार, कोई भी चैप्टर को इस तरह मत समझो कि यार रटना है, क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं करूंगा। नहीं, आपको थोड़ी अपनी लाइफ में भी उसको ऑब्जर्व करना होगा, आप लाइफ में देखते जाओगे उन चीजों को तो आप कभी नहीं भूलोगे उसको। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं कुछ चीजें बताता हूं आपसे, पहले उनको डिस्कस करते हैं। आपने कभी सोचा है कि दूध से दही कैसे जम गया? क्या आपने सोचा है कि दही में खटास कैसे आ गई? दूध तो ठीक था, कोई न्यूट्रल स्वाद नहीं था इतना, थोड़ा बहुत मीठा ही था वो, है ना। इससे अच्छा वाला पानी बर्फ में बदल गया है, लोहे में तो जंग लग गई, स्टील में जंग नहीं लगी, ऐसा क्या हुआ? इन चीजों के बारे में आपसे कोई भी कुछ कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, इंग्लिश में केमिकल रिएक्शंस। देखो केमिकल रिएक्शंस आपने 9th 10th में पढ़ी होंगी, वैसे आप भूल गए होंगे मुझे पता है, अब वापिस हम रिविजन करने के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज समझो कि कोई भी चीज हो रहा है, दूध से दही जम रहा है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है परिवर्तन। परिवर्तन चेंजेस, पहले हम परिवर्तन को पढ़ेंगे फिर हम रासायनिक अभिक्रिया में जाएंगे, उसके बाद की बात नहीं है। तो परिवर्तन होता क्या है? देखो कोई भी चीज किसी में चेंज हो रही है तो उसका परिवर्तन हो गया। ठीक है, आप बचपन की फोटो देखो, अभी की फोटो देखो, तो आपको रात दिन का परिवर्तन आपको दिखेगा, है ना। आप बुढ़ापे में किसी भी फोटो देखो और बचपन में देखो तो रात दिन का अंतर आएगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन है। इस परिवर्तन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला परिवर्तन का नाम है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसको इस तरह समझो कि क्या हो सकता है, देखो आपके जीवन में भी परिवर्तन आते हैं। कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए, जैसे कोई बच्चा सोचता है कि हाँ मुझे अब जिम करनी है, मेरे शरीर का एकदम पूरा फोकस करना है, ए मोटिवेशनल वीडियो देखी, ये वो ये कर लिया, प्रोटीन पैक मंगा लिए, इसके साथ जिम के वाले को दे दिए 500 रुपये, अब भाई कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वो ढींगना। क्या हुआ, 1 month, चलो 1 month तो बहुत हो जाता है, 10 days, 10 days के बाद क्या हुआ, वो फुस होगी, वापस बैक टू योर लाइफ। ठीक है, क्या हुआ कि नहीं यार अब नहीं, मेरे जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स है, मुझे घर का भी संभालना होता है, वो करना होता है, ये वो सारी इश्यूज आ गए, आप क्या आगे वापस परिवर्तन, वापस क्या आगे नेचुरल लाइफ में आ गए। ठीक है, एक क्या हुआ कि यार नहीं अब तो करना ही है, कुछ चेंजेस कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े हो जाएगा, और वो कुछ लोग क्या कर लेंगे, बहुत ही उनका क्या हो जाएगा, चेंज परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, टेम्परेली, टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए है और ये परमानेंट है, बस यही बेसिक अंतर होता है भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो एक चीज समझ में आई, भौतिक परिवर्तन क्या होगा, अस्थाई, ठीक है, टेम्परेरी मतलब अस्थाई, और ये क्या होगा, स्थाई। अब क्या होता है क्या नहीं होता उसको पूरे को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं बीच में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की, फिर हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे आए हैं उसमें भी चलते हैं। मैंने कहा पानी है मेरे पास, है ये पानी है, इसका फॉर्मूला मैं पता है H2O, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, पानी को मैंने क्या बना दिया, बर्फ बना दिया। ठीक है, और पानी को ही मैंने वाष्प बना दिया, यानी भाप बना दिया, भाप बोल दूं या फिर मैं इसको क्या बोल दूं, वाष्प बोल दूं। ठीक है, अब मैंने इसको कहां रखा था, फ्रिज में रखा था, फ्रिज में रखा था, और ये बर्फ बन गया।
अब मैंने इसको कहाँ रख, इसमें कहाँ रखा है, मैंने भाप में वाष्प बनाने के लिए मैंने कहाँ रख दिया, मान लो इसको मैंने गर्म किया, ठीक है, तो बर्फ बन गई। क्या इसमें परमानेंट चेंज आ चुका है? क्यों ये बताओ, परमानेंट चेंज आ गया क्या है? H2O में कुछ परिवर्तन आया? फॉर्मूला बर्फ का भी क्या है? H2O। बस उसके क्या चेंज हुआ है, यहां वो था लिक्विड में, यानी क्या था, लिक्विड में था, लिक्विड लिक्विड बोले तो इंग्लिश में क्या, द्रव, हाँ हिंदी में द्रव, और यहाँ क्या है, ये सॉलिड है यानी ठोस है, इतना ही तो अंतर है। और ये अंतर आया किस में, ये अंतर आया है भाई केवल और केवल किस में, भौतिक अवस्था में परिवर्तन आया है, ये परमानेंट कोई चेंज नहीं हुआ है। बर्फ वापिस रखो फ्रीज से बाहर निकालो, ये वापिस किस में चेंज हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, चेंज किस में आया है, केवल भौतिक अवस्था में आया है। तो भौतिक परिवर्तन यही होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन आ सकता है। ये लिक्विड से यहाँ पे क्या बन गया, वाष्प बन गया, यानी गैस बोल सकता हूं मैं इसको, है ना। परंतु जैसे ही मैं, ये कारण था फ्रिज क्या था, इसका पानी का बर्फ बनने का कारण था, जैसे ही मैंने फ्रिज को हटाया, पानी को बर्फ आइस क्यूब्स को बाहर रखा, वो वापिस क्या बन जाएंगे, पानी में बल जाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्थाई। पहला चीज क्या आ गया, केवल भौतिक परिवर्तन होंगे, ठीक है। दूसरे क्या चीज आ गई, अस्थाई आ गया। अब देखो, जैसे मैंने फ्रिज हटाया, मतलब जो परिवर्तन का कारण था उसको हटाया, वैसे ही क्या हो गया, वापिस हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल गया। तो तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आई, आपको भी समझनी चाहिए, कि कारण हटाते ही, मैं लिख दूंगा अभी, कारण हटाते ही वापिस क्या मिल गया हमें, बैक प्रोडक्ट मिल गया, यानी वापिस हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल गया। समझ में आई कहानी, समझ में आई किस तरह की है, हमने पानी को बर्फ में बदला है, बर्फ को हम वापिस पानी में बदल सकते हैं। और एग्जांपल लो, इस तरह हम और एग्जांपल ले लो, जैसे ये लोहा था, ठीक है, इस लोहे को मैंने क्या कर दिया, पिघला दिया, जैसे ये लोहे का एक सॉलिड था, इसको मैंने पिघला दिया, जैसे कुछ देखे नहीं होंगे, कुछ चीज बनाने के लिए उसको पहले पिघला देते हैं, तो इसको मैंने पिघला दिया, ऐसे मान लो ये पिघला हुआ आ गया, तो यहाँ पे भी ये तो लोहा ही है और यहाँ पे भी क्या है, लोहा ही है। तो चेंजेस क्या है, केवल भौतिक अवस्था में है, वापिस मैं इसको थोड़ी देर ठंडा रखूंगा तो ये वापिस क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, तो है तो लोहे का लोहा, तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और बात करता हूं, और क्या बात करूं, और जैसे भी किसी भी चीज को पिघला रहे हो तो वही बात हुई, किसी भी ठोस कर रहे हो वो भी बात हुई। तो अब मैं इसको लिख रहा हूं एक पर्टिकुलर चीज में, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को भी हमें साथ साथ में देखना है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है उसके लिए आप देखिए, अब चलो आगे बात करते हैं इसकी, भौतिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन किस तरह कहा जा सकता है आपको, इनमें से कुछ ऑप्शन जरूर मिलेंगे यदि क्वेश्चन आता है इससे। देखो भौतिक परिवर्तन जो भी बताया उसी को मैंने लिखा है, वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण और अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण क्या होता है, देखो भौतिक यानी जो चीजें हमें दिख रही है, ठीक है, भौतिक वो चीजें होती है जो हमें दिख रही है, जैसे गुण अवस्था, जैसे मुझे दिख रहा था कि ये द्रव था, द्रव से क्या बना था, ठोस, तो मैं अनुभव कर पा रहा हूं उसको, वो होते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक गुण और अवस्था में परिवर्तन होते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड हो गया। रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बताऊंगा, केमिकल जो भी केमिकल है प्रॉपर्टी वो डिफर नहीं करती है, ओनली भौतिक होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं, मैंने कहा पानी, मैंने कहा बर्फ, चलो मैंने कुछ और एग्जांपल लिया, मैंने कहा ये चांदी थी, मैंने चांदी को पिघला दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला H2O ही था ना भाई, और यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O, चेंज थोड़ी हो जाएगा, बर्फ थोड़ी अलग हो जाएंगे, H2O से केमिकल तो वही रहना है, केमिकल जो भी इसका फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा। अब पानी की तरह बात करते हैं चांदी की, देखो चांदी में, देखो यहाँ पे भी चांदी है, पिघला दिया तो भी तो चांदी है, वो तत्व तो सेम ही है, चांदी का तत्व है ना, तत्व के रूप में तो हम कहेंगे ना, पिघली भी चांदी को अलग थोड़ी कह देंगे सोना बन गया है ना, चांदी को चांदी ही कहेंगे। तो चेंज नहीं आ रहा किस में, रासायनिक गुण में नहीं आ रहा, ठीक है। परिवर्तन का कारण हटाने से पुनः मूल पदार्थ प्राप्त होता है, जो मैंने अभी बताया था, फ्रीज हटा दो तो वापिस ही आ जाएगा, पिघलाना ठंडा करो तो वापिस चांदी बन जाएंगे, ठोस में आ जाएगा। इसका मतलब एक और कहा जा सकता है कि ये अभिक्रियाएं क्या होती है, उत्क्रमणीय, जनरली कभी कभी नहीं हो सकती, कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं, परंतु जनरली उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, जो दोनों तरफ चल सकती है, ठीक है, इतनी सी बात है।
नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, गांठ बांध लो, नया पदार्थ कुछ नहीं बनेगा, वही है, बर्फ है, बर्फ है, पानी है, पानी है तो पानी H2O ही तो है, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, पूछे जाते हैं पानी का बर्फ या वाष्प में बनना, या वाष्प या बर्फ का पानी में बदलना, एक ही बात है। लोहे का चुंबक बनना, अब लोहे का है उसका चुंबक बना देते हैं हम, इलेक्ट्रिक सीट से भी बना सकते हैं, सिंपल हम देखते थे कि बचपन में वो कॉइन वोइन रख के भी कहते थे कि चुंबक बन जाती है, तो वो है तो लोहा, इसमें भी लोहे का कभी कोई Fe है ना, इसको क्या बोलते हैं Fe, फेरस है, और चुंबक भी क्या है फेरस ही है, तो उसके अंदर गुणों में, भौतिक गुणों में, एक भौतिक गुण में चेंज आ गया कि वो अट्रैक्ट करने लगे लोहे को, ठीक है। तो लोहे का चुंबक बनना भी क्या होता है, क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। लकड़ी का तोड़ना, लकड़ी को तोड़ दिया, तीन भागों में तोड़ दिया, चार भागों में तोड़ दिया, तो क्या होता है, भौतिक है, लकड़ी तो लकड़ी रहनी है, परंतु ध्यान रखो लकड़ी को जला दिया, आगे बात करूंगा मैं, लकड़ी को मैंने क्या कर दिया, जला दिया, तो जला दिया तो मुझे क्या मिली, राख। क्या ये भौतिक परिवर्तन है, नहीं, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखो लकड़ी यहाँ पे क्या थी, क्या मैं राख से वापस लकड़ी बना लूंगा क्या, सोचो थोड़ा उल्टा करो, क्या मैं राख से लकड़ी बना लूंगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, नहीं। तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा परिवर्तन है, आगे बात करेंगे, ठीक। शक्कर या शक्कर का सॉरी पानी में या सॉरी सॉरी उल्टा लिख देना, शक्कर का नहीं, उल्टा हो गया, जो पानी है, पानी में क्या शक्कर घोल दो, नमक घोल दो, रेत घोल दो, क्या घोल दो, घर शक्कर कैसी होती है, मीठी, पानी में घोल दिया, पानी वो क्या हो गया, मीठा ही था, है ना, नमक क्या होता है, खारा, पानी में डोलने के बाद भी क्या, नमक का, उस पेस्ट का नमक की, उस जो विलयन बना है उसका स्वाद भी क्या है, खारा ही है, तो चेंज क्या है, वापिस तुम कर सकते हो, गर्म करो, है ना, जैसे आप देखते हो हम समुद्र के पानी से नमक भी बनाते हैं, कैसे बना लेते हैं, वो नमक वापिस आ जाता है उसमें, ऐसे हम घर पे भी कर सकते हैं, नमक डोल दो उसको वापिस वाष्पित कर दो तो पानी उड़ जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा, ठीक है। अब देखो बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, देखो बल्ब कुछ नहीं होता भाई साहब, आप सिंपल ये एक तंतु सा बना होता है बल्ब में, है ना, देखोगे तो आप अंदर से इस तरह का बल्ब है, अंदर तंतु ही तो गर्म हो रहा है, किस चीज को गर्म होने से कुछ की रासायनिक गुण थोड़ी चेंज हो रहे हैं, है ना, मान लो ये तंतु किसी का है, मटेरियल का है, तो वो मटेरियल तो सेम ही रहेगा, या फिर यूं देख लो, चालू किया चल गया, वापिस बंद किया यानी कारण हटाया मैंने, करंट को हटाया तो वापिस हो क्या, बंद हो गया, तो उत्क्रमण हो गया, तो इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, बस इतना सोच लो कि क्या कोई नया पदार्थ नहीं बनना चाहिए, दूसरा मैं ये देखूं कि उल्टा कुछ वापिस आ रहा है या नहीं आ रहा, इतना ध्यान रखो बस, इससे आपका काम हो जाएगा। तो ये था भौतिक परिवर्तन, अब मैं बात करता हूँ रासायनिक परिवर्तन। देखो रासायनिक परिवर्तन को कुछ नहीं है भाई साहब, भौतिक परिवर्तन से अलग है, यूं कह दूं तो अपोजिट है। चलो एक चीज, दो तीन चीजें और बता देता हूं भौतिक परिवर्तन में जो आपके काम आ सकती है, एक है वाष्पन, एक है संघनन, और एक क्या हासिल ले सकते हो आप इन दोनों को मिला के, आसवन, ठीक। कुछ नहीं करना आपको, आपको तीनों को एक साथ समझाता हूं, ये आपका एक मान लो बीकर है या कुछ भी टोपिया फोपिया जो भी समझ लो, इसमें क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है, ठीक है, पानी डाला हुआ है, नीचे क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है इसकी, ठीक है, इसको गर्म किया जा रहा है। अब देखो गर्म करने के बाद क्या हुआ, ऊपर एक और काम कर दो, बढ़िया सा काम, एक फर्स्ट क्लास कर दो, कि एक है ना प्लेट रख दो इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर क्या रख दो, बर्फ रख दो, ठीक है, तीनों चारों चीजें साथ में समझ जाऊंगे, ये क्या है, बर्फ है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे जो ये लिक्विड है या पानी है ये द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी, तो ये क्या बन गई, वाष्प। तो द्रव का वाष्प में बदलना क्या होता है, वाष्पन होता है, समझ में आई, द्रव का यानी पानी का भाप में बदल गया, ये एक एग्जांपल हो गया। तो द्रव जो भी लिक्विड है उसका क्या, गैसीय, गैस में बदलना वो क्या होता है, वाष्पन होता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, ऊपर बर्फ रखी हुई है, तो जैसे ये वाष्प टकराएंगी, ये वाष्प किस पे टकराएंगी, इस प्लेट पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगी, बूंदे बन जाएंगी, तो ये बूंदे किसकी है, द्रव में लिक्विड है, तो ये जो वाष्प का, किसका, वाष्प का किस में चेंज हो रहा है, वापिस द्रव में यानी लिक्विड में, ये क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, ठीक है। इन दोनों का पूरा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये क्या होता है, आसवन। तो मतलब द्रव का
किसमें वास्तु में बदल के पुनः क्या बदल जाना, द्रव में बदल जाना क्या होता है, आसवन होता है। ठीक है, और एग्जांपल समझो वाष्प की, क्या संघनन की, जैसे आपने ना अपने वो नहीं देखी है, बर्फ में एक पड़ी है आपके पास पानी की बोतल ठंडे, उसको बाहर रखो तो जैसे ही बाहर रखोगे तो बूंदे बन जाएंगे, बूंदे बूंदे बूंदे। वो बूंदे आई कहाँ से, आपके आसपास भी क्या है, वाष्प है, ह्यूमिडिटी जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो वाष्प थी, वो पानी की वाष्प थी, वो जैसे ही ठंडे से टकराए वो द्रव में बदल गई, वो संघनन है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल थे। और ये तीनों ही क्या होते हैं, ये तीनों ही क्या होते हैं, ये तीनों ही अभिक्रिया पूछ लें तो क्या हो रहा है, ये होती है भौतिक परिवर्तन ही होती है। ठीक है, चलो आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। चलो एक और चीज आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, और बता देता हूँ इन्हीं तरह का, वो होता है उद्रपातन। उद्रपातन क्या होता है, उद्रपातन का कुछ नहीं होता भाई साहब, जैसे जनरली क्या होता है, मैं कह रहा हूँ इस बर्फ है ना, बर्फ को एक बर्फ का टुकड़ा है उसको गैस में बदलो तो पहले बर्फ पिघलेंगे पानी बनेगा, पानी से गैस बनेंगे, परंतु कुछ क्या होते हैं सीधे ठोस से क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। जनरली नहीं होता ऐसा, परंतु कुछ मटेरियल्स में, कुछ पदार्थों में ऐसा होता है, वो ठोस से सीधा क्या बन जाते हैं, गैस में बन जाते हैं। तो वो सब क्या होता है, वो होता है उद्रपातन। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल कपूर, कपूर में आग लगाऊंगे वो सीधा पिघलेगा नहीं, गर्म करूंगे वो सीधा वाष्प में बदल जाएगा। या फिर आप उन्हीं कपड़ों में डालते हो ना नियोन की वो गोलियां, वो भी क्या होती है, जब डाल दिए तो सॉलिड थी, वापिस देखोगे तो नहीं मिलेंगी वो, क्योंकि वो जैसे कॉन्टेक्ट में आती है तो वो गैस में डायरेक्ट बदल जाती है, इसलिए वो थोड़ी स्मेल भी आपको आती हुई दिखती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, भौतिक से हम आगे चलते हैं रासायनिक परिवर्तन में, बात नहीं कर रहे हैं हम आज बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो समझनी जरूरी है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों में अवस्था में परिवर्तन हो, नहीं, ऐसे परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणों और में उसमें परिवर्तन हो। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा अवस्था में, रासायनिक अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक, रासायनिक गुण और में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण डेफिनेटली उसमें क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त हो नहीं होता, प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं नहीं होता है। चलो ठीक है, उत्क्रमणीय इसको हटा दो, ये होगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, समझो मैंने क्या किया, ये मैंने ले लिया कोयले का एक टुकड़ा, कोयला है, कोयला कितना काला है, इसको मैंने क्या दी, इसको मैंने ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन मतलब जलाया, इसको जलाया मतलब जलाया, तो ये मुझे क्या मिल गई, एक राख मिल गई, राख मिल गई, या फिर मैं ये कह दूं प्लस क्या मिल गई मुझे, CO2, एक CO2 गैस होगी, काला काला धुआं, वो धुआं ही क्या होते हैं, CO2 गैस होती है। तो क्या मैं कह दूं कि राख से मुझे क्या, या CO2 से मुझे क्या ये कोयला वापस मिल जाएगा क्या, तो मैं कहूंगा नहीं मिलेगा। हाँ, जाते वक्त सही है, आते वक्त नहीं। और देखो यहाँ कोयला कार्बन था, ठीक है, यहाँ एक नया चीज मिल गई CO2, अलग ही कार्बन थोड़ी मिला है ना, तो क्या हुआ, क्या हमें नया पदार्थ मिला है, हाँ हमें नया पदार्थ मिला है, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्या परिवर्तन का कारण हटाने पे वापस मैंने ऑक्सीजन हटाई, क्या ये राख या CO2 किसमें बदल जाएंगे, कोयले में, नहीं, तो पुनः पदार्थ नहीं प्राप्त होता। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण परिवर्तन है, यहाँ कार्बन है भाई साहब, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, अलग अलग फॉर्मूले दोनों के, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुण तो चेंज हुए ही है, ये मान लो कि इस ये अपनी अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये रासायनिक गुण अलग दिखाएगा, है ना, ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन सांस ले सकते हो आप, है, और CO2 में आप सांस नहीं ले पाओगे, है ना, तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, रासायनिक अवस्था कुछ नहीं होती, रासायनिक गुण ध्यान रखो। ठीक है, तो ये होता है केमिकल चेंजेस, है ना, और वो थे फिजिकल चेंजेस। इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखो जो कि आपको जनरली पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखो बस नया पदार्थ बनता है, इतना ध्यान रखो आपको। ठीक है, अब एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दो तीन बताए थे, एक दो और बता देता हूँ। पहला जो जनरली पूछा जाता है दूध का दही जमना। अब देखो दही जमना, पनीर बनना, घी बनना, सब एक ही बात है। ठीक है, क्या हमें दही, देखो दूध क्या होता है, न्यूट्रल होता है, दही बना इससे,
तो क्या है, दही अलग है ना, टेस्ट अलग आ गया है ना, स्वाद अलग आ गया, तो केमिकल गुण चेंज हो गया है दोनों। मान लो कि इसमें भी हम कह रहे हैं दूध है, इसमें भी दूध है, तो एक ही चीज पर नहीं है। क्या आप इसको वापस चेंज कर सकते हो पुनः दही से दूध बना के दिखा भाई, बना पाऊंगे? नहीं बना पाऊंगे। तो ये क्या है, दूध का दही जमना क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन है। और क्या हो सकते हैं, दहन, कहीं भी दहन मिल जाए या किसी का जलना, तो एक ही बात है, दहन और जलना एक ही बात होती है, तो वो हमेशा क्या होगा, एक नया पदार्थ। लकड़ी का जलना, जैसे लकड़ी का टूटना तो क्या था, भौतिक, परंतु लकड़ी का जलना क्या होगा, हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो दहन हो गया। इसके अलावा आपको कहीं मिल सकता है वर्ड किण्वन, ये वर्ड ध्यान रखना, किण्वन हमेशा क्या होता है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। जैसे किण्वन का एग्जांपल बताऊंगा आपको, डबल ब्रेड बनाते हैं तो उसमें एक यीस्ट नाम का क्या डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, बैक्टीरिया डाल देते हैं, वो उसको क्या सड़ाता है। ठीक है, ऐसे दारू बनाते हैं, सॉरी अल्कोहल बनाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, बैक्टीरिया डाला जाता है, वो उस चीज को सड़ा देता है। ये सड़ाने वाला क्या चीज को साइंस में क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। ठीक है, या फिर देख सकते हो आप गोबर गैस बनाते हो CH4, ठीक है, वो क्या होते हैं, सारा मटेरियल जो भी है गोबर और वगैरह एक गड्ढे में डाल देते हो, फिर कुछ मटेरियल डाल देते हो, उससे वो सड़ती है, तो वो क्या है, किण्वन। ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन, कुछ नया मिल रहा है ना, गोबर से गोबर गैस मिल रही है हमें, है ना, जैसे चाशनी या किसी चीज से हमें क्या मिल रही है, एल्कोहल, टेस्ट अलग होगा, दूध दही हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या है, एक बैक्टीरिया होता है उसके कारण ये दही में जमता है। अगला एग्जाम्पल ध्यान रखो, जो आपको ध्यान रखना है, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक है भाई साहब। अब लोहा है, एक लोहा जंग लग गया उसमें, तो जंग बुरा सा बन गया, तो लोहा लोहा नहीं रहा। अब वो ऑक्सीजन के साथ, एक्चुअली होता क्या है, वो Fe रिएक्शन किसके करता है, ऑक्सीजन के साथ, किसी पे लेमिनेशन कर दो आप लोहे पे, ठीक है, एक कपड़ा वपड़ा सॉरी प्लास्टिक व्लास्टिक को नहीं लगेगा, जैसे ही वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है तभी तो जंग लगता है। तो किसी ना किसी रिएक्शन हो रही है, कुछ दो चीजें मिल रही है, फिर नया पदार्थ मिल रहा है, वापस जंग में लगे हुए लोहे से ओरिजिनल लोहा निकाल देते हो, क्या नहीं निकाल पाते ना, इसीलिए क्या कहते हैं, लोहे में जंग लगना क्या है, एक तरह का रासायनिक परिवर्तन। तो ये मेन मेन एग्जाम्पल थे, आपको ध्यान में होना चाहिए। और कभी कभी पूछ लेता है कि, और क्या पूछ लेता है जनरली, हाँ, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आपका क्या है, सब्जी बनना, बाहर से लाए आप आलू, आलू को आपके काटे छोंका दिया, सब्जी बना ली, टेस्ट चेंज हुआ, हुआ ना टेस्ट, तो चेंज हुआ, तो चेंजेस आए, नया पदार्थ बना, तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और क्या ले सकते हो, केरी है, केरी को पका दिया यानी आम बन गया, मतलब क्या, केरी खट्टी थी, आम मीठा, तो चेंज हो गया, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कुछ केमिकल डाले जाते हैं उससे वो पकती है, या फिर कुछ रिएक्शन होती है उससे पकते हैं। ये केरी आम को इस तरह भी कह सकते हैं कि फलों का पकना, ये सब क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, मोमबत्ती का जलना, मैंने कहा था जलना, जलना तो क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, जल रही है तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल। परंतु ये जो मोम है, ये मोम पिघलता हुआ यहां इकट्ठा हो गया, ये मोम तो पिघल रहा है, तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएंगी, भौतिक हो जाएंगी। समझो इस चीज को, इस मोम है, ये मोम को वापस एक ढांचे में बना सकते हो, तो वापस मोम से मोम ही तो बन सकता है, वापस बना सकते हो, परंतु इस जले हुए से ऊपर क्या, ऊपर हाथ रख लो तो काला काला, जैसे हम कभी कभी क्या बनाते हैं, वो काजल बनाते हैं ना इसी मोम से, तो वो काजल से आप वापस मोम बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, तो वो क्या हो गया, जलना, वो हो गया एक्चुअली वो धागा जल रहा है। ठीक है, वो तो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, परंतु ये जो पिघल गया ये क्या हो गया, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, सॉरी भौतिक परिवर्तन, थोड़ा घूम रहा हूं। ठीक है, सुनना आगे कहानी, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, कोई ज्यादा बड़ी बातें है नहीं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो अभी तक हमने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन देखा, अब हम देखो रासायनिक परिवर्तन को आगे लेके चल रहे हैं, उससे से रिलेटेड होती है रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो, जैसे मैंने अभी देखा था कि मैंने कोयले का लिखा था कोयला को जलाया, मतलब ऑक्सीजन दी इसको, तो ऑक्सीजन दी तो मुझे क्या मिला, मुझे कुछ नहीं मिला साहब, धुआं मिला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिली, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके गॉट इट, ओके ऑक्साइड मिली, कार्बन डाइऑक्साइड, हिंदी में थोड़ी बहुत हो सकती है, वो चंद्रबिंदु लगा देना यार, क्या प्रॉब्लम, ऑक्साइड, ठीक है।
परंतु क्या हुआ, ये तो छोटी सी रिएक्शन थी, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कौन सा परिवर्तन होता है ये पूछ ले, तो क्या ऑप्शन दोगे? रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अब उसको ऐसे दर्शाया मैंने कि कोयले के साथ जब ऑक्सीजन मिली तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो अब मैं इसको कितनी बार लिखूंगा, सोचो। कोई बड़ी सी रिएक्शन हो, जैसे हमारे पाचन की रिएक्शन है, या बाकी मैं बात करूं प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है, ये बहुत बड़ी बड़ी है, इतनी भी बड़ी नहीं है, पर तो लिखना है मैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो क्या एक सोल्यूशन निकाला गया? सोल्यूशन क्या निकाला गया कि हम कोयला नहीं लिखेंगे इसका, या तो हम प्रतीक लिखेंगे। प्रतीक, प्रतीक क्या है? कोयले में क्या होता है? कार्बन, कार्बन का प्रतीक क्या है? सी, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे हम इसका, अणुसूत्र लिखेंगे, अणुसूत्र जो कि क्या है? ओ टू। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखेंगे, इसका भी अणुसूत्र क्या लिखेंगे? सीओ टू। अब छोटा हो गया ना, ये लिखना आसान था कि ये लिखना आसान था? ये ना, क्योंकि ये आसान है क्योंकि हम इसको छोटे रूप में लिख रहे हैं, इसी को ही क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या है केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं, सॉरी, रासायनिक समीकरण अप्लाइज, है ना, थोड़ा सा गलती होगी, कोई बात नहीं। ये रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया तो यही थी, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तो थी, ये केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण होती क्या है? रासायनिक समीकरण और कुछ नहीं होती, सिंपल सी एक ही चीज है, जो हमारे पदार्थ हैं उनको या तो प्रतीक लिखो या उसका अणुसूत्र लिखो के रूप में लिखना ही क्या होता है? रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थ के अणुसूत्र या प्रतीक के रूप में, सिंबल या मॉलिक्यूल फॉर्मूला के रूप में लिखें, दैट इज केमिकल रिएक्शन। वह क्या होती है? रासायनिक समीकरण होती है। अब देखो इसके कुछ नियम हैं, कुछ चीजें हैं, उनको पढ़ते हैं ताकि हमें सब कुछ अच्छे से पता रहे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक एक चीज बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आने के पूरे 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 चांस है, ठीक है। देखो अभी मैंने लिखा कोयला, कोयला को क्या लिखा? सी, क्योंकि उसमें क्या होता है? कार्बन। उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया एस, ठीक है, समझाऊंगा अभी। O2 ऑक्सीजन क्या, इसके नीचे लिखा हुआ मिल गया गैस, इसके नीचे क्या मिल गया? CO2, दैट इज क्या है? ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं उनको समझो। पहली चीज कि ये तीर, इस तीर से इस साइड वाले, इस तीर से इस साइड वाले को क्या कहते हैं? क्रिया कारक या फिर अभिकारक, इनको क्या कहा जाता है? क्रिया कारक। ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? क्रिया कारक है, रिएक्टेंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और वो क्या है? दैट इज उत्पाद, दैट इज प्रोडक्ट। वो क्या होंगे? प्रोडक्ट, समझो। एरो यानी इस तीर के निशान से पहले वालों क्या कहते हैं? क्रिया कारक। और CO2 को क्या कहेंगे? उत्पाद। क्वेश्चन पूछ लेगा, दी गई समीकरण में ऑक्सीजन है अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक व उत्पाद दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या दोगे? अभिकारक, क्योंकि एरो से इधर है, है ना, क्योंकि यही तो रिएक्शन करके मुझे उत्पाद यानी प्रोडक्ट यानी क्या फाइनल मिल रहा है? CO2। तो CO2 क्या होगी? उत्पाद, यानी तीर के उधर वाले क्या होते हैं? उत्पाद, ठीक है। अब इस प्लस का मतलब क्या है? योग, योग का मतलब जुड़ना, मतलब इन दोनों पदार्थों के बीच में क्या हो रही है? रिएक्शन। एक पदार्थ हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मतलब जितने जुड़ रहे हैं, जितने के बीच में रिएक्शन हो रही है, उन सब के बीच में क्या लगा दो? प्लस लगा दो, ठीक है। ये एस क्या है? ये एस कुछ नहीं है भाई साहब, ये एस है सॉलिड, सॉलिड बोले तो ठोस। हमने देखा था कार्बन क्या था? सॉलिड था, क्योंकि वो किस रूप में था? कोयले के रूप में था, ठीक है। तो इसको दिखाते हैं, ये इसकी भौतिक अवस्था को बताता है। ऐसे ही एल मिलेगा आपको कहीं, दैट इज लिक्विड, क्या? द्रव्य। जी मिलेगा कहीं, दैट इज गैस, वो क्या होता है? गैस, गैस की गैस, गैस ही होती है ना, ठीक है। और एक और मिलता है AQ, दैट इज एक्वस, दैट इज जलीय विलयन। ये चार मिलेंगे आपको, ठीक है, जनरली सॉलिड लिक्विड गैस जनरल। दिस इज O2, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो गैस के रूप में लिख दिया, जी लिख दिया, CO2 लिख दिया, ये लिख दिया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
अब बात करते हैं, इसकी बात होगी, इसकी बात होगी, इसकी बात होगी, इसकी बात करते हैं। कहीं कहीं आपको ये एरो ऐसे मिलेगा, कहीं कहीं ये एरो आपको ऐसे मिलेगा, और कहीं ऐसे भी मिलेगा। ये तीन एरो मिलेंगे, ठीक है। इन तीनों एरो का मतलब समझना, इसका मतलब है रिएक्शन ए की तरफ है, रिएक्शन इस तरफ अग्र दिशा में, मतलब रिएक्शन अग्र दिशा में हो रही है। किस दिशा में हो रही है? फॉरवर्ड दिशा में, दैट इज अग्र दिशा, ठीक है। ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा दिशा अग्र दिशा में भी हो रही है और पश्चिम दिशा में भी हो रही है। अग्र और पक्ष, अग्र एंड पश्चिम, मतलब फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है, ठीक है। और ये क्या बताएगा? ये आपको एक नया टर्म याद रखना है, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था मतलब जितनी अग्र में हो रही है उतनी ही किसने में हो रही है? पक्ष में हो रही है। इक्विलिब्रियम इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। तो ये साम्य अवस्था, तीर ध्यान रखना, कभी आपको ऐसा मिलेगा, कभी ऐसा मिलेगा, कभी ऐसा मिलेगा, तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। ये तीन समझ में आ गई। अब चौथी चीज क्या होती है वो भी ध्यान रखो, ये मिटो देता हूं मैं आपको, ताकि आप तीसरी चौथी में आपको चीजें दूसरी क्वेश्चन से बताता हूं। मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब चीजें समझ गई। अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। N2 plus H2 दैट इज कन्वर्ट होता है, मान लो किसमें होता है कन्वर्ट? NH3 में होगा, अमोनिया में होगा, ठीक है। N2 अपने आप में गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। कभी कभी ये लिख देते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, पता होता है लोगों की N2 गैस के रूप में, कहीं अलग में लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मिल जाए तो प्रॉब्लम मत लेना, नहीं तो समझ लेना। यहाँ पे ऊपर एरो के ऊपर लिखा हुआ होगा जैसे 773 केल्विन, या फिर एटीएम, यानी अपने प्रेशर दाब बताया हुआ होगा 200 ATM। ये एरो के ऊपर क्या लिखते हैं, ये एरो के ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा है? 773 केल्विन 200 ATM। ये कुछ नहीं है साहब, कोई भी रिएक्शन है ना, मतलब आप ना, कुछ रिएक्शन क्या होती है? ताप पे होती है, कुछ गर्मी मिलती है तब वो रिएक्शन हो जाती है, नहीं तो नहीं होती है। तो उस ताप को दिखाने के लिए क्या है, ये दिखाया जाता है इससे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ के क्या है, यहाँ के कुछ नहीं है साहब, केल्विन है, ठीक है। एटीएम क्या है? एटीएम कुछ नहीं है, ये ताप की इकाई है, और ये प्रेशर की इकाई है, जो कि क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर प्रेशर, एटीएम है ना। ये किसकी? दाब की इकाई है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये ऊपर प्रेशर और दाब लिखा हुआ था, कोई बात नहीं है। कभी कभी ना कुछ मिल जाए, जैसे सीयू लिखा हुआ कहीं मिल गया, तो ये सीयू एरो के नीचे लिखा हुआ या एरो के ऊपर ही मिल जाता है कभी कभी। ये क्या होता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उत्प्रेरक क्या कहते हैं? रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कुछ प्रभाव डालते हैं, कुल मिला के बात करेंगे आगे हम इसके बारे में। तो ये ध्यान रखना, ये चीज होगी, क्या होगी, ऊपर क्या लिखते हैं, ये क्या नीचे क्या लिखते हैं, इन चीज को समझना, ठीक है। तीसरी और चौथी चीज मैं आपको और बताता हूँ इंपोर्टेंट, जो कि और महत्वपूर्ण है। एक और चीज होती है जो हम पहले बायोडाटा इकट्ठा कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, बाद में उसकी चर्चा और करेंगे। एक रिएक्शन लिख रहा हूँ N2 प्लस, ये 3 कहां से है अभी आप मत टेंशन लो, मैं आपको बताऊंगा। 2NH3, इससे प्लस आ रहा है 10.5 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। एक रिएक्शन और दे रहा हूं, N2 प्लस 2O2 दैट इज 2NO माइनस 21.6 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। कभी कभी आपको इस तरह की इक्वेशन दे देगा और पूछ लेगा कि, जैसे ये इक्वेशन दे दी, पूछ लिया निम्न में से ये अभिक्रिया है, उष्मा 6P, उष्मा 100C, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों, ऐसे ऑप्शन दे दी, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना, आप देखो उस दो वर्ड है उष्मा 100C और एक है उष्मा 6P, उष्मा 100C और उष्मा 6P, दो नाम है, अच्छे नाम है, अच्छे से ध्यान रखना।
उष्मा शोषी मतलब, उष्मा मतलब ऊर्जा, एनर्जी, हीट, कुछ भी हो सकती है। उष्मा शोषी मतलब ग्रहण कर रहा है, सोख रहा है, सोख रहा है, उसको ऊर्जा चाहिए, उसको ऊर्जा चाहिए, ठीक है। उष्मा छेपी दे रहा है कि ले लो ले लो ले लो। तो इसमें से मुझे बताओ प्रोडक्ट में कहाँ ऊर्जा मिल रही है, कहाँ मिल रही है इसमें, उसमें से दोनों में से। मैं कहूंगा सर पहली इक्वेशन में मिल रही है, 10.5 किलो कैलोरी पर मोल मुझे ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि प्लस है ना, प्रोडक्ट में मुझे और मिल रहा है, इतनी उष्मा मिल रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, जो कह रही है उष्मा लो तुम, मेरे पास पड़ी है तुम ले लो, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, उष्मा छेपी, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ये माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, ये इधर माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तुम उसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ये ऊर्जा मांग रही है कि मुझे ऊर्जा दो, तो ये कौन सी हो जाएगी, उष्मा शोषी। समझ में आई कहानी, जहां प्लस हो उष्मा छेपी, जहां माइनस हो उष्मा शोषी, समझ में लेना अच्छे से कहानी। उष्मा शोषी कौन सी होती है रिएक्शन, उष्मा छेपी क्या सी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी बात थी जो आपको समझनी चाहिए थी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड रिलेटेड। अब हम थोड़ी एक और बात करता हूं मैं, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना भैया, कोई टेंशन नहीं है, कमेंट किया करो, अपने घर की बात है ना। अब देखो N2 और H2 बना के मिलके क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं, यानी अमोनिया बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया, ठीक, अमोनिया। चलो तो अब क्या हुआ, अब एक नियम दिया गया, एक नियम क्या दिया गया, जिसका नाम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन रूल। उसके अनुसार क्या कहता है, तो जो प्रोडक्ट यानी क्रिया कारक का जो द्रव्यमान होगा, वही द्रव्यमान क्या होगा, किसका होगा द्रव्यमान, उत्पाद का। डायरेक्ट पूछा जा सकता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है जो क्रिया कारक यानी अभिकारकों का जो द्रव्यमान है, टोटल कुल द्रव्यमान है, वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है। तो वो करना पड़ेगा, वो कैसे होगा, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, H2 मतलब दो हाइड्रोजन है के एटम है, तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, परंतु यहाँ तीन है। अब यहाँ तीन है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी तीन करो, इस तरह कुछ करना। तो इस चीज को क्या कहते हैं, समीकरण को संतुलित करना, है ना, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब वो करते कैसे, ठीक है, वो समझो कैसे करोगे, कैसे समझोगे। पहली चीज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जैसे O2 लिखा तो इसे O2 ही रखना, कभी कभी भी O5 मत बना देना, मतलब आप इन पे गोचा नहीं कर सकते। आप यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, बीच में भी कोई गोचा नहीं कर सकते। आप तो गोचा कर कहां सकते हो, केवल और केवल इनके आगे कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ गोचा कर सकते हो, यहाँ गोचा कर सकते हो। समझ में आया, गोचा कहाँ नहीं करना, एक तो नीचे नहीं करना, यहाँ H3 है, यहाँ मिटो के कर दिया H3, यहाँ N1 है, तो यहाँ पे मिटो के कर दिया दो, इनके बीच में डाल दिया, ऐसे बैलेंस नहीं करनी, ये ध्यान रखना, वो गोचावाची हो जाती है फिर। तो क्या कर सकते हैं हम, केवल हम आगे आगे नंबर लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है N2 + H2, दैट इज NH3, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि N2 क्या, नाइट्रोजन कितने हैं, दो हैं, दो हैं, तो मुझे यहाँ पे कितने चाहिए, दो चाहिए, तो मैं दो कैसे कर दूंगा, यहाँ आगे दो लगा दूं, हो गए दो, आगे कर सकता हूँ, यहाँ कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ नहीं लिख सकता, ठीक है, हो गया NH3। अब देखो, अब ये करने से मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 × 6 H3 और दो आगे, तो कितने हो गए, 3 × 2 पे, यानी 3 × 6 हो गए, मुझे कितने चाहिए, 6 चाहिए, मेरे पास है कितने, 2, तो मैं कैसे बनाऊंगा 6, इधर लिख दूं 3, आ गया, तो N2 + 3H2 कन्वर्टिंग टू NH3 अमोनिया। ऐसे ही पूछ ले C + O2, इसको बैलेंस करो CO2, मैंने चेक करा सी यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ दो है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी दो है, तो ये क्या ऑलरेडी बैलेंस है। मैंने कहा Mg + O 2 MgO, सॉरी Mg + O 2 MgO, ये मुझे कहा कि Mg + O 2 MgO बना रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, Mg यहाँ पे कितना, एक है, ठीक है साहब मेरा एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ ऑक्सीजन दो है, अरे यहाँ पे तो एक ही है, तो मैं यहाँ पे दो लगा दूं, नहीं यहां मत लगा देना, दो
दो लगाऊंगे कहां आगे, तो यहां पे दो नहीं लगाऊंगे तो आगे हो गया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी परंतु इस चक्कर में मेरी एमजी अनबैलेंस होगी। यहां पे दो है, यहां पे एक ही है, तो यहां पे दो बनाने के लिए क्या कर दूंगा, बस 2mg + O2 2mg बन गई। आई होप चीज समझ में आई होगी। एक और करा देता हूं ताकि बैलेंस, बाकी क्वेश्चंस होंगे तब क्वेश्चन सीरीज के टाइम हम करेंगे। एक इक्वेशन लिख रहा हूं C3H8 प्लस O2 जो आपको कन्वर्ट करके दे रही है CO2 प्लस H2O। अब बनाओ इसको। कार्बन कितने हैं, तीन है मेरे पास, और कहीं यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे नहीं है भाई साहब, एक ही है, तीन है, मुझे यहाँ पे तीन चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, तीन लगा दिया, बन गए तीन, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन कितने हैं, आठ है, कितने हैं, दो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आठ है, यहाँ दो है, मुझे कितने आठ चाहिए, तो कैसे बनाऊंगा, चार लगा दिया, हो गए हाइड्रोजन, तीन दुनी चार दुनी आठ, यहाँ पे भी आठ है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे दो है, परंतु यहाँ कितनी है, तीन दुनी छह, तो यहाँ पे है और चार यहाँ पे, कितनी होगी, दस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दस है, परंतु मेरे पास तो दो ही है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, यहाँ पे क्या लगा दूं, पांच। अब बैलेंस है, अब चेक कर लो आप खुद, सब बैलेंस होंगे आपस में, ठीक है, यहाँ का भार यहाँ के भार के बराबर होगा। तो ये था केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने चर्चा किया था, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी तो लाइक करेंगे, आप लाइक करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, साथ में कमेंट करके बताएं क्या बताऊंगे आप मुझे कमेंट करके बताना इस इक्वेशन को। चलो रेंदु आगे क्वेश्चन कराऊंगा तब करा दूंगा आपको, ठीक है, चलो कर सकते हो आप। छोटी सी इक्वेशन देता हूँ, H2 + O2, इससे बना रहे हो H2O, इसका बैलेंसिंग फॉर्म बताना मुझे, ठीक है, कमेंट करके बता देना, ठीक। तो नए लेक्चर में, अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, ये समीकरण थी, अब वापस हम अभिक्रिया पे जाएंगे, किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, और दो तीन लेक्चर में इसको मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। बाकी पिछले जनरल साइंस वाली क्लास है वो देखो, मैथ का कंप्लीट कोर्स हो चुका है वो देखो, सब प्लेलिस्ट पे जाके देखो, सरी देखते ही नहीं हो यार, तुम ऐसे क्या करते हो, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोग और भी मिल सके हमारे साथ, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे जीडीए फर्स्ट गेट के लिए स्पेशल मैंने ग्रुप बनाया है फेसबुक पे, है स्पेशल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके जुड़िए, ट्विटर पे भी जुड़िए, टेलीग्राम पे भी जुड़िए, जहां चाहते हो जुड़िए, मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।